हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो आपके लिए फील कर रहे हैं, उनके करंटली इमोशंस क्या हैं। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। एंड पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आपको इंस्टाग्राम एंड इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। सो गाइस, रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप इस रीडिंग को अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने एक्स के लिए देख सकते हो, करंटली जिनके साथ रिलेशनशिप में उनके लिए देख सकते हो, अपने फ्रेंड के लिए भी देख सकते हो एंड अपने फियांसी के लिए देख सकते हो, जिनके साथ सेपरेटेड हो, जिनके साथ ब्रेकअप हो चुका है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। ठीक है, आपका नो कॉन्टैक्ट है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है और कॉन्टैक्ट है भी तो भी आप देख सकते हो, देखने के लिए कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, सो देखते हैं क्या आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स हैं। एंड यस, वो आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे मैं ये भी देखूंगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस रखें एंड पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। मेरे सेकंड चैनल पे भी मुझे को ज्वाइन करें। आप लोगों को उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड कम्युनिटी पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी मैं रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। सो डेली इंटरेस्टिंग रीडिंग्स के लिए, फॉर फर्दर रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज मैं वहाँ पे लाइव सेशन भी करती हूँ, किया भी है मैंने और नेक्स्ट भी मैं करूँगी। सो ज्वाइन करें वहाँ पे, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें वहाँ की, ताकि मैं जब आऊँ वहाँ पे इसको भी करें और ऑन नोटिफिकेशन बेल को, इस चैनल की भी और उस चैनल की भी, बिकॉज मैंने कहीं पे भी किसी टाइम पे लाइव आ जाना है आपको बिना इन्फॉर्म किए। फिर मुझे कोई ना कहे कि आपने हमारा क्वेश्चन नहीं लिया, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं नहीं सुनूंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो रिवाइंड गाइड करें, जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स उनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस उनके लिए क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं, उनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, रिवाइंड गाइड। सो फर्स्ट है हमारे पास एस ऑफ फायर, एरिस लियो सैजिटेरियस। एस ऑफ फायर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। एंड नेक्स्ट है हमारे पास टेन ऑफ फायर, एरिस लियो सैजिटेरियस, सेवन ऑफ फायर। वाओ, काफ़ी फायरी एनर्जी है यहाँ पे। यूनिटी टॉरस हेरोफेंट का कार्ड है हमारे पास। ओके, क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए, क्या करंटली फील कर रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास द सन, लियो इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए। नेक्स्ट है टेन ऑफ एयर, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ वाटर। ओके, हमारे पास है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ एयर। ओके, आपके पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे आपका नो कॉन्टैक्ट है, काफ़ी लोगों का यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है, इस पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही। आपने एक दूसरे को यहाँ तो सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया हुआ है और कुछ मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ हुआ है, आपसे बात नहीं कर रहा। ठीक है, इस टाइम आपका इस पर्सन से कहीं ना कहीं कोई फाइट है, कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी बात नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक भी आप लोगों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर किया हुआ है। बट डेफिनेटली गाइज, ये पर्सन इस टाइम किसी प्रेशर में है एंड ये पर्सन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लग रहा है। आपका ऑब्वियसली यहाँ बात नहीं हो रही जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। आई थिंक पास्ट में ये पर्सन बहुत डिफेंसिव रहा है। एक तो इस पर्सन ने सही से कम्युनिकेशन नहीं आपके साथ किया और इस पर्सन की एनर्जी जो है ना, ग्राउंड, इसने अपनी एनर्जी को ग्राउंड नहीं किया। ये बहुत ज़्यादा ऐसे एरोगेंट सा था, बहुत ज़्यादा प्राउड ही मुझे ये लग रहा है पर्सन। पास्ट में इसने आपके साथ ऐसा किया है, बिहेवियर बहुत कोल्ड रखा है इसने। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ लोगों की यहाँ पे कास्ट, कल्चर, सोसाइटी का कोई डिफरेंस था, लैंग्वेजेस का डिफरेंस था आपका इस पर्सन से, या आपका लाइफ स्टाइल डिफरेंस था जिसकी वजह से आप सेम पेज पर नहीं थे। पास्ट में आप सेम पेज पर नहीं थे, या आप लोग सेम पेज पर नहीं थे, इसीलिए आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा और इस पर्सन ने
आपको अंडरस्टैंड नहीं किया और आपके साथ सेपरेशन हो गया, काफ़ी फाइट हुई है, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उस वजह से आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करके आगे चले गए, ठीक है। बट ये पर्सन इस टाइम जो है ना काफ़ी बर्डन फील कर रहा है। एक तो इस पर किसी ना किसी तरह का बहुत ज़्यादा बर्डन है, ये पर्सन अपने काम में भी बिजी नज़र आ रहा है, इस पर्सन पर अपने प्रेशर है, अपने वर्क का प्रेशर है, एंड अदर और दूसरा इसकी लाइफ बैलेंस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन स्ट्रेस है, इसको शायद ये मुझे लगता है हेल्थ प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहा है ये पर्सन। अगर ऑब्वियसली इसकी एनर्जी नहीं होगी तो शायद आपकी ये एनर्जी होगी, बट यहाँ पे ये पर्सन हम इसकी फीलिंग्स देख रहे हैं आपके लिए तो डेफिनेटली काफ़ी फायरी एनर्जी है, काफ़ी पैशन तो ये पर्सन आपके लिए फील करता है, बट इस टाइम किसी ना किसी वर्क में है, किसी ना किसी स्ट्रेस में है, जहाँ से ये पर्सन अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है। अभी इसकी लाइफ में बैलेंस नहीं हो पा रहा, इनडिसीजिव है ये पर्सन, ठीक है, और किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। मे बी यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन, ये पर्सन मैरिड हो सकता है किसी और के साथ, बट कुछ ट्रेडिशनल की वजह से आप लोगों का यहाँ पे आगे रिलेशनशिप नहीं चल पाया। अब ये पर्सन अब जो है ना उस चीज़ को दोबारा से रिन्यू करना चाहता है, बिकॉज हमारे पास एस ऑफ फायर फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास है न्यू बिगिनिंग का। इट मींस कि ये पर्सन आपके साथ न्यू चीज़ें क्रिएट करना चाहता है, आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहता है न्यू, ताकि इसकी लाइफ में चेंज आए, बिकॉज ये अब अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है। ये पर्सन चाहता है इसकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, ठीक है, उस चीज़ के लिए सक्सेसफुल होने के लिए इस रिलेशनशिप में ये पर्सन न्यू आइडिया सोच रहा है और अपने आप का लेवल ला रहा है कि ताकि ये पर्सन कॉन्फिडेंस में आ सके, ठीक है, खुद एतमादी पैदा कर रहा है, कॉन्फिडेंस में आ रहा है अपने, ताकि ये पर्सन डिफरेंट आइडिया सोच के आपको किस तरह इस पर्सन ने अपने कॉन्फिडेंस में लेना है, कैसे आपको इस पर्सन अप्रोच करना है, कैसे ये पर्सन आपको कन्विंस करे, ये उस चीज़ के बारे में इस टाइम सोच रहा है, बिकॉज अभी इसकी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। ऑब्वियसली आपकी बात इस पर्सन से नहीं हो रही, इसने आपको डेफिनेटली चीट किया है, यहाँ पे इस पर्सन ने आपके साथ डिसेप्शन किया है, आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया है, इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी की तरफ डाला है, थर्ड पार्टी इसका वर्क है, इसकी फैमिली हो सकती है, किसी के साथ कमिटेड हो सकता है ये पर्सन, रिलेशनशिप में किसी और के साथ हो सकता है, आपको छोड़ के इसने किसी और को चूज़ किया है, शादी की है, जो भी किया है, बट अब ये पर्सन वहाँ से निकलना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में है, ये पर्सन स्ट्रेस में है बेसिकली मैं बात करूँ तो, ठीक है। ये पर्सन चाहता है कि इसकी रिकवरी हो, जिस तरह का ये टेंशन देख रहा है, काफ़ी डिप्रेशन में है, एग्जॉस्ट हो चुका है, वहाँ से निकलना चाहता है, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहता है। इस पर्सन चाहता है कि पॉजिटिविटी इस पर्सन की लाइफ में आए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी फ्लावर्स हैं, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि ये आपको देखता है, आप इस पर्सन के लिए एक हैप्पीनेस की तरह हो, आपके साथ टाइम स्पेंड करना इसको अच्छा लगता है, आपसे बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि आप इस पर्सन को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, इसीलिए ये पर्सन आपके साथ काफ़ी प्यार करता है। ये पर्सन डे बाय डे आपके लव में फॉल इन लव हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन चाहता है कि आपको वेडिंग प्रपोजल दे, ये अपने बैलेंस कर रहा है, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ये अब आपको जो है इनविटेशन देना चाहता है, इनविटेशन किस चीज़ का देना चाहता है, ये आपको लव प्रपोजल देना चाहता है, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करता है, बट इसको पता है कहीं ना कहीं आप क्वीन ऑफ एयर की एनर्जी में हो, आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, काफ़ी ज़्यादा आप शार्प हो, आप इंडिपेंडेंट हो चुकी हो पहले से ज़्यादा, और अब आप इमोशनल से ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ों पे जो है बिलीव करते हो, आप प्रैक्टिकल हो चुके हो काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए इस पर्सन को थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है आपको अप्रोच करने में, ठीक है। ये जबकि आइडिया सोच रहे नहीं हो, ताकि ये पर्सन ऐसे आइडिया सोच रहा है ताकि आपकी तरफ जब ये आए तो इसका वो आइडिया सक्सेसफुल हो, इसको डिफीट ना देखनी पड़े, किसी तरह का इसको लॉस ना देखना पड़े, ठीक है। बिकॉज मुझे लगता है हो सकता है आप लोग ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग को देख रहे हो, शायद आप डिवोर्स ही हो और आप किसी पर्सन के लिए रीडिंग को देख रहे हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो या आए हुए हो, या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है। बट डेफिनेटली यूनिटी का कार्ड, इट मींस कि ये पर्सन आपके साथ दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, यूनिटी मतलब दोबारा ये पर्सन आपको पाना चाहता है, दोबारा आपकी तरफ आना चाहता है, आपको अप्रोच करना चाहता है, ठीक है। अब ये अपने व्यू पॉइंट से देख रहा है, काफ़ी स्पिरिचुअल ये पर्सन है, आपका कनेक्शन भी मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहा है, बट ये आपकी तरफ आना चाहता है गाइस, आपसे बात करना चाहता है, इमोशनल आपको लेके काफ़ी ज़्यादा है ये पर्सन, ठीक है, काफ़ी रोमांटिक है ये पर्सन आपको लेके, बिकॉज हमारे पास नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है, इट मीन्स कि ये आपकी तरफ आना चाहता है। हमारे पास है नंबर 3 हाई प्रेस्टीज ऑफ अर्थ, या ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, ठीक है, ये देख रहा है आप अपनी लाइफ में काफ़ी सेटल हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो, और अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके हो अपनी लाइफ में, दैट्स वाई ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी लाइफ को सेटल देख रहा है इसीलिए आना चाहता है आपकी तरफ। नंबर 8 विजन, या ये पर्सन अपने विजन को क्लियर करना चाहता है, ये चाहता है कि आपको अप्रोच करें, क्योंकि आप तो अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हो, बट ये पर्सन को आपकी कमी जो है ये आपको मिस कर रहा है, ठीक है।
हमारे पास 10-10 की एनर्जी आप लोगों के लिए, 10-10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 1010 नंबर आपको नजर भी आ सकता है, यहाँ पे भी हमारे पास 10 की एनर्जी है, 10-10 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। इस टाइम हमारे पास स्क्रीन पे भी 10 ही टाइम हो रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली 10 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि अब आपका एक साइकिल एंड होने वाला है और डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, आपको लव प्रपोजल देना चाहता है बिकॉज आप सिर्फ प्यार करता है ये पर्सन। मुझे यहाँ पे जो फीलिंग्स आ रही हैं, यहाँ पे मुझे बहुत इमेच्योर एनर्जी नहीं आ रही, आज की रीडिंग में मुझे मेच्योर एनर्जी आ रही है बिकॉज दिस पर्सन इज मेच्योर। 22 या बैलेंस जाता गाइस, ये पर्सन लेटिंग गो, ये पर्सन पास्ट को लेट गो करके, इस स्ट्रेस को लेट गो करके, इस टाइम सेपरेशन है उसको लेट गो करके न्यू चीज़ें अप्रोच करना चाहता है, इस रिलेशनशिप में न्यू चीज़ों को लाना चाहता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। बटरफ्लाइज हैं, बटरफ्लाई इज़ अ सिंबल ऑफ चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन ये पर्सन चाहता है, इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, आपका रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आए, रिबर्थ हो इस कनेक्शन की, ठीक है। दैट्स वाई ये पर्सन लेट गो करना चाहता है पास्ट को और प्रेजेंट को वेलकम करना चाहता है, इसीलिए आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। या बिलोंगिंग, ये पर्सन आपसे बिलोंग करता है गाइस, ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है और आपको एक हाउस देना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, ठीक है, आपको घर गिफ्ट कर सकता है ये पर्सन। अदरवाइज अगर आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो तो ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशन करके दोबारा से आपको वेलकम करना चाहता है अपने घर में। 41 आपकी एज, इसकी एज हो सकती है, 5 नंबर है, 5 नंबर इज़ द नंबर ऑफ चेंज, 555555 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या 49 ओथ, या ये पर्सन अब आपके साथ गाइज, आपके साथ रहने के लिए ये ओथ लेना चाहता है, ठीक है, ये अपने आप से वादा करना चाहता है, प्रॉमिस करना चाहता है अपने आप से, आपसे, ताकि ये आगे रिलेशनशिप को लेके चल सके, बिकॉज ये मुझे आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रही है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, काफ़ी मेच्योर है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करता है, या पर्सन आपका सोलमेट है, ठीक है। 49 इसकी एज आपकी एज हो सकती है, ठीक है, 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड यहाँ पे है 11 नंबर, डेफिनेटली दिस इज़ योर हाई लेवल ऑफ सोलमेट और ट्विन फ्लेम, ठीक है। 11 नंबर डेट ऑफ बर्थ आपकी इस पर्सन की हो सकती है, 11 एंड 12, डेफिनेटली आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है 11 12। ये कॉम्प्लिकेटेड इस टाइम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये आपका कनेक्शन, क्योंकि ये पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया है, तब ये पर्सन बहाने बना रहा था पास्ट में, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अब ये आपको एक्सेप्ट करना चाहता है दोबारा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सेटल हो ना, इसको नज़र आ रहा है तो वो चीज़ को ट्रिगर कर रही है, तो कॉम्प्लिकेटेड तो भी बहुत ज़्यादा ये कनेक्शन, आपको पाना दोबारा इस पर्सन के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट ये कंक्लूजन है, अगेन हमारे पास एंडिंग का नंबर है, एंडिंग की यहाँ पे हमें सिंबल बता रहा है ये कि डेफिनेटली कंक्लूजन, ये पर्सन चाहता है कि चैप्टर क्लोज हो पास्ट का, ताकि ये दोबारा से आपके लिए एक चीज़ों को रिन्यू कर सके, ठीक है। बट आप देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का, ठीक है। बट आपके साथ ये पर्सन गाइस क्रिएट करना चाहता है, एस ऑफ फायर मींस कि इस पर्सन की बहुत फायरी एनर्जी है, दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट एक्शन में है लवर, दिस इज योर लवर, आपके साथ रिलेशनशिप दोबारा ये पर्सन बनाएगा, ठीक है। इस टाइम ये पर्सन डिसीजन नहीं कर पा रहा, बट इन द कमिंग मंथ्स, इन द कमिंग डेज ये पर्सन डिसीजन लेगा, लवर है आपका, ठीक है, दिस इज योर सोलमेट। और या 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर हमारे पास वीनस का नंबर है, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी आपकी ब्यूटी से इंस्पायर है। जेमिनी इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है और ये आपके साथ रीयूनियन करेगा, क्वीन ऑफ वाटर, या ये आपसे लव करता है गाइस, रिलेशनशिप को आगे लेके चलना चाहता है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा ये पर्सन आपके साथ, हम फ्यूचर देख रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली ये आपके लिए एक्शन लेगा गाइस ये पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन आपकी केयर करना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको सेव करना चाहता है, एक शेल्टर देना चाहता है आपको। यहाँ पे हमारे पास बिलोंगिंग की एनर्जी भी है, हाउस की, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, क्योंकि आपका रिकॉन्सिलिएशन है इस पर्सन से, बट रिकॉन्सिलिएशन में टाइम लग सकता है, 6 मंथ लग सकते हैं, 6 वीक्स लग सकते हैं। यहाँ पे है रिलीज, डेफिनेटली इस टाइम ये पर्सन किसी कनेक्शन में है या किसी सिचुएशन में है, तो उसको रिलीज करके आपकी तरफ आएगा, ठीक है। इस टाइम ही किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो उसने उस सिचुएशन को एंड करके आपकी तरफ आना है गाइस, ठीक है। एक इस पर्सन की मुझे लगता है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, बट इसने मूव ऑन करना है आपकी तरफ, ये आपके लिए एक्शन लेगा गाइस, ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, बट यहाँ तो 6 वीक्स में आएगा, 6 मंथ यहाँ पर लग सकते हैं, ठीक है, बट ये आएगा आपकी तरफ, ठीक है। रिलीज़ करना है इसने कुछ, या तो इसने अपनी फैमिली किसी फैमिली की बर्डन में है, टॉक्सिक फैमिली है, या टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई टॉक्सिक मैरिज भी हो सकती है, जहाँ से इस पर्सन ने रिलीज़ करके आपकी तरफ आना है, ठीक है। सो इसको आपकी तरफ आने के लिए इसको किसी चीज़ की रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हमारे पास डेथ का कार्ड है, डेफिनेटली इसको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ट्रांसफॉर्म होगा आपका लाइफ, ठीक है। स्कॉर्पियो इन द मंथ ऑफ स्कॉर्पियो में हो सकता है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में, अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास 6 मंथ का टाइमिंग है, अदरवाइज जेमिनी सीजन जो जेमिनी का है,
तब ये कोई आपका सीजन, ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे था जेमिनाई का सीजन इन द मंथ ऑफ, यही मंथ के एंड से स्टार्ट होना है जेमिनाई का मंथ, तो ये आ सकता है नेक्स्ट मंथ में आ सकता है आपकी तरफ, ठीक है। सो यहाँ पे एक्शन मुझे ये बट इसको कुछ चीज़ें रिलीज करके आपकी तरफ आने में रिलेशनशिप डेवलप करेगा ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट कियो, पसंद आई हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।